हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सहदेव वानखड़े, सदगुरु होम्यो हॉस्पिटल अकोला। आज हम बात करेंगे कि अमावस्या पूर्णिमा को बहुत से पेशेंट के सिम्टम्स, बीमारियों के लक्षण बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्यों अमावस्या पूर्णिमा आती है तो पेशेंट के लक्षण ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं? तो इसका साइंटिफिकली रीज़न है। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन हमारे होम्योपैथी में इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस दिया है कि अमावस्या पूर्णिमा में पेशेंट के ऑटोमेटिकली सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और उनको एग्रेवेशन हो जाता है। बॉडी में जो भी डिजीज है उसके टोटल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि मेंटल डिजीजेज में पेशेंट वायलेंट हो जाते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि कोई पेशेंट को मेंटल इलनेस है, सिज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, या फिर और भी कोई एंग्जाइटी का पेशेंट है। तो ऐसे पेशेंट के सिम्टम्स इतने बढ़ जाते हैं, पेशेंट वायलेंट हो जाते हैं, दो दो तीन तीन लोगों को लगते हैं उनको संभालने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्या चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में कि अमावस्या पूर्णिमा को सिम्टम्स बढ़ जाते हैं? तो इसका साइंटिफिक रीज़न है कि हम सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट सन, मून और अर्थ पे होता है। तो जब न्यू मून होता है या फिर फुल मून होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुद्र का पानी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिसको हम हाई टाइड बोलते हैं, और जो पानी कम हो जाता है तो लो टाइड बोलते हैं। तो ये हाई टाइड जैसे समुद्र में क्यों होता है, बाकी के पानियों में क्यों नहीं होता है अमावस्या पूर्णिमा को? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का तो इफेक्ट सभी बातों पे हो रहा है, सभी चीज़ों पे हो रहा है। तो इन दिनों में समुद्र का ही पानी क्यों बढ़ता है? जैसे कि कुआं होता है, तालाब होता है, नदी होती है, इनका पानी क्यों नहीं बढ़ता? उनके पानी में ऐसा क्या है कि वो पानी बढ़ता नहीं और समुंदर का ही पानी बढ़ता है? क्योंकि समुंदर का पानी खारा होता है, उनमें सॉल्ट होता है, बहुत सारे क्षार होते हैं, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस क्षार में ऑटोमेटिकली इंटरैक्शंस होके वो क्षार बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो सॉल्ट का प्रमाण बढ़ जाता है, उसकी वजह से हाई टाइड हो जाता है। तो आप देखो ना कि जैसे समुंदर का पानी सॉल्टी होता है, खारा होता है, वैसे अपने बॉडी के अंदर भी सॉल्ट होता है, वाटर होता है। तो अपने बॉडी का कोई भी डिस्चार्ज लो आप, आपको से निकलने वाला पानी, यूरिन, स्टूल, पर्सपिरेशन, नेजल डिस्चार्ज, ऑल डिस्चार्जेस आर सॉल्टी। हर बॉडी का कोई भी डिस्चार्ज लो जो खारा होता है, इसका मतलब कि अपने बॉडी में वाटर है और सॉल्ट भी है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट अपने बॉडी पे होता है, और अपने बॉडी के इफेक्ट होने की वजह से बॉडी में इंटरैक्शन होके बॉडी का वाटर वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट उसमें प्रेजेंट जो बीमारी है उसके ऊपर हो जाता है, और ऑटोमेटिकली उस बीमारी के सिम्टम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और बराबर जैसे ही पूर्णिमा या फिर अमावस्या स्टार्ट होती है, जब से ये जिस पीरियड से ये स्टार्ट हुई, जिस आवर से स्टार्ट हुई, जिस मिनट से स्टार्ट हुई, उस मिनट से पेशेंट में बेचैनी, रेस्टलेसनेस और बीमारी के सिम्टम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है और अमावस्या पूर्णिमा खत्म होने को आती है तो वो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये जितना पीरियड होता है उतना पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल होता है, और ऑटोमेटिकली ये बाय नेचुरली ये सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेन रीज़न है, और इसमें हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम होम्योपैथी में ये स्पेशल देखते हैं कि अभी अगर सिम्टम्स बढ़े हुए तो पेशेंट को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है, आपके घर में पेशेंट है, तो इस कंडीशन में, इस डेज में बिल्कुल घबराना नहीं। अगर आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो बताना चाहिए कि ये दिन दो दिनों में हमारे पेशेंट के बहुत सिम्टम्स बढ़ गए, तो वो डॉक्टर समझ जाएंगे। और आपको अगर किसी पेशेंट के बारे में जानकारी चाहिए या फिर ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारा फोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, मेल कर सकते हैं आप, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।